हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, जुहार। और फ्रेंड, अभी सुबह का टाइम है और बच्चे लोग भी स्कूल जाने के लिए रेडी हो चुके हैं। और अभी हम लोग को इस क्वार्टर को आज हम लोग छोड़ के चले जाएंगे शाम को। और बहुत ही ज़्यादा दुख भी हो रहा है क्योंकि इस क्वार्टर में हम लोग को 5-6 साल का यादें जुड़ी हुई है, खुशी गम सब चीज़। और बहुत ही ऐसा पल है इस क्वार्टर में जो बहुत ही हैप्पी मोमेंट है हम लोग के लिए। और आज हम लोग इस क्वार्टर को छोड़ के चले जाएंगे क्योंकि समानुमान तो चल गया है कल ही। और थोड़ा सा दुख भी हो रहा है कि मतलब इस क्वार्टर को छोड़ के जा रहे हैं, उतना ही खुशी हो रहा है नए क्वार्टर में शिफ्ट होने का। और बच्चे लोग भी बहुत ही ज़्यादा खुश हैं। तो अभी तो ये लोग को स्कूल में भेज देती हूँ, उसके बाद जितने भी मेरा इधर सामान सब फैला हुआ है तो सबको मैं समेट लेती हूँ। और अभी बेड उड सबको मैं भेज दी थी फ्रेंड, तो इसीलिए हम लोग गद्दे बिछा के ही अभी हम लोग सोए हैं रात को। और इस तरह से गद्दे बिछा के ज़मीन पे सोए तो घर गांव का याद आ गया। और ख़ास करके जब मैं बैचलर थी, एनसीसी करती थी, तो जब हम लोग को कैंप के लिए कहीं दूसरा दूसरा जगह भेजा जाता था तो हम लोग इसी तरह से जितने भी स्टूडेंट थे, यानी हम लोग अपने फ्रेंड लोग, तो सबको हम लोग इसी तरह से गद्दे बिछा के और सबको ज़मीन में ही हम लोग लेटते थे, तो बहुत ही अच्छा लगता था। तो वो सब भी पल पूरा याद आ गया। और मैं बच्चों लोग को भी वही सब मैं बता रही थी कि हम लोग इस तरह से ज़मीन पे ही सोते थे जब खास करके बाहर जाना पड़ता था। तो वो सब चीज़ भी बताने में बहुत ही अच्छा लगा। और बच्चों को ये चीज़ एहसास भी आज हो गया कि ज़मीन में सोने पे कितना अच्छा लगता है, हमेशा बेड बेड। तो इसी तरह से, और ख़ास करके बोलते हैं ना कि जब एक घर बसाना होता है तो कितना दिन लगता है, हर चीज़ एक एक चीज़ लाओ और सरियाओ और सजाओ। तो आज इसी तरह से हम लोग भी पूरा 5-6 साल लगा इस रूम को सजाते हुए। हर जब भी नया चीज़ दिखता था तो ख़रीद के ला के इसको डेकोरेट करो चाहे कुछ भी, मगर 2 दिन भी नहीं लगा इस घर को उजाड़ने में। और अभी फिर से अभी नया क्वार्टर भी जाएंगे तो उतना ही मेहनत करना पड़ेगा, मतलब हर चीज़ को सरियाना सजाना। और क्या बोलते हैं कि ज़िंदगी का यही एक मोमेंट होता है जो आप हर सिचुएशन हर चीज़ को मतलब हंसते हंसते, दुख हो या सुख हो, हर चीज़ को काटो तो वही अच्छा लगता है। तो इस तरह से बच्चे लोग भी इंजॉय कर रहे हैं कि पुराना क्वार्टर से नया क्वार्टर जा रहे हैं और एक जगह से दूसरे जगह जाने पे मतलब क्या बोले, हर चीज़ चेंज हो जाता है। बच्चे लोग का रहन सहन से लेके हर चीज़ जो बोलते हैं ना कि क्या बोले, माइंड चेंज हो जाता है। और अभी इधर मैं पूरे अंदर में भी प्लास्टिक सब धुल के रख दी थी फ्रेंड, तो ये सब को भी मैं समेट लेती हूँ। और समेटने के बाद आज लास्ट दिन है तो अच्छे से फिर से मैं झाड़ू पोछा करके ही जाऊँगी क्योंकि हमेशा इस घर में मेरा बहुत चीज़ यादें था और यादें रहेगी। क्या कि जब भी मैं कोई चीज़ करूँगी तो मुझे याद आएगा कि वो क्वार्टर में ऐसे करते थे ऐसे करते थे, तो मतलब उस तरह से होता है। तो मैं आज भी इस घर को मेरा लास्ट झाड़ू पोछा लगाना मेरा ही काम है। और अभी मैं जल्दी जल्दी से झाड़ू पोछा कर लगा लेती हूँ फ्रेंड। तो आप लोग मेरे वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए। और मेरे चैनल में पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो थोड़ा सा भी आप लोग को अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। लाइक और शेयर और कमेंट से मेरे को बहुत ज़्यादा मोटिवेट मिलता है और बहुत ही अच्छा लगता है। तो चलिए फ्रेंड, आप लोग जल्दी से झाड़ू पोछा लगा लेती हूँ मैं।
तो अभी मेरा घर का काम पूरा हो गया था फ्रेंड, तो मैं इधर नाश्ता कर लेती हूँ। तो मैं इधर बनाई थी लाल चाय और ब्रेड सेक ली थी, और अभी खास करके अभी बिजी हूँ तो इसी तरह से नाश्ता चल रहा है सबके लिए। तो इधर से मैं जल्दी जल्दी से नाश्ता सब कर लेती हूँ फ्रेंड, और फिर नाश्ता करने के बाद फिर मैं मिलती हूँ आप लोग से। अभी मैं नाश्ता कर ली हूँ फ्रेंड, और नाश्ता करने के बाद मैं आ गई हूँ किचन, और मैं आज सब्जी बना रही हूँ, आलू बैंगन की सब्जी बना रही हूँ मसालेदार। और एकदम लग रहा है कि दो टाइम का खाना एक ही बार बना लूँ इस टाइप से, ताकि मतलब बार बार खाना बनाना ना पड़े, क्योंकि अभी घर का भी सामान सबको पैकिंग करना, फिर पैक करने के बाद फिर बच्चे लोग का भी ऊपर से स्कूल चल रहा है, तो हर चीज़ को एकदम मैनेज करते हुए हर काम करना रहता है, और खाना तो बनाना ही बनाना रहता है। तो इधर मैं आलू बैंगन की सब्जी बना रही हूँ, और इधर डालने के बाद मैं अभी मकई है दो चार, तो उसको ही मैं बॉईल कर दूँगी, तो पूरे मकई को मैं छील लेती हूँ। और अभी खास करके बच्चे लोग भी जैसे रूम में छोड़ देने से क्या होता है कि कुछ ना कुछ उन लोगों को चटपटा खाने का ही इच्छा करता है, तो घर में है चाहे ना है, तो मैं सोची कि चलो मकई बॉईल कर दूँगी, जब उन लोगों को इच्छा करेगा चाहे भूख लगेगा तो एक एक भी खा लेंगे, तो थोड़ा सा हेल्दी होता है, पेट भरा हुआ रहता है उन लोगों का। इधर मैं कर दे रही हूँ, और अभी हस्बैंड जी भी ड्यूटी से आएंगे, तो आने के बाद फिर पुराना क्वार्टर नया क्वार्टर बहुत ही काम हो जाता है। और इधर मैं मकई को भी बॉईल करने के लिए चढ़ा देती हूँ, और मैं वीडियो करती हूँ यही एंड फ्रेंड, और उम्मीद करती हूँ कि आज के वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और मेरे चैनल में पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आप लोग अपना कीमती वक्त निकाल के मेरे वीडियो देखने के लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद फ्रेंड, आप लोग का इस तरह से इसी तरह से प्यार देते रहिएगा आप लोग।